Hello everyone, welcome to my channel Rising Bud. How are you all? I hope that you all are fine and healthy. So, आप सभी को पता है कि अभी हम COVID-19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और जिसका इफेक्ट बच्चों पर भी बहुत अच्छे से पड़ रहा है. मीन्स नेगेटिव इफेक्ट इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चे ना पार्क जा पा रहे हैं, ना कहीं बाहर घूमने जा पा रहे हैं, ठीक है, ना वो कोई राइड्स को इंजॉय कर पा रहे हैं. उसमें ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को करना है कि वो राइजिंग बर्ड चैनल देखते रहें और अपने बच्चों को न्यू एक्टिविटीज़ कराते रहें. सो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ न्यू एक्टिविटी लेके आई हूँ. एज़ यूज़ुअल बहुत इनोवेटिव है, बहुत ही अच्छी है, बच्चे उसको डेफिनेटली इंजॉय करेंगे. बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड ऑल्सो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. अब आज की एक्टिविटी में आपके दो बेनिफिट हैं. एक तो बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगे, दूसरा ये कि बच्चे का जो एग्रेशन लेवल है वो काम डाउन होगा. वो बिकॉज जब बच्चे की या किसी की भी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है तो उसका एग्रेशन डाउन होता है. सेम एक्टिविटी जो मैं आज बताने जा रही हूँ उसमें भी वही होगा. सो आपको अब इस एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको इस तरह की कोई भी टेप लेनी है. मेरे पास ये टेप थी तो मैंने ये टेप यूज़ करी. आप ब्राउन टेप भी यूज़ कर सकते हैं. और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टेप की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा, मतलब इस तरह से इतनी चौड़ी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि जो इसका स्टिकी पार्ट है जहाँ से टेप चिपकती है वो एक साइड होगा और ये प्लेन सर्फेस एक साइड होगा. तो मैंने जो स्टिकी पार्ट है वो इधर कर दिया है, जो प्लेन वाला है वो इधर कर दिया है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करना क्या है. अब दूसरी चीज़ हमें, पहले मैं ये बता देती हूँ कि दूसरी चीज़ इसमें ये लेनी है कि इस तरह के जो क्रश करके आपको न्यूज़पेपर या वेस्ट पेपर लेना है और इससे ही हमारी एक्टिविटी पूरी होगी, ठीक है. अब देखते हैं कि इसको एक्टिविटी को बच्चा कैसे इंजॉय करता है. अब आपको क्या करना है, ये जो आपने हमने पेपर्स की बॉल्स बनाए हैं इनको इस टेप पे बच्चे को बोलना है कि ऐसे थ्रो करो. अब ये टेप ऊपर जाके इस पर चिपक जाएगी, इस टेप पर. तो ये वैप जो हमने जाल बनाया है टेप का, इस पर ये जाकर चिपक जाएगी. तो गाइस अभी आपने देखा कि इस वैब की हेल्प से बच्चे ने कैसे उसको इंजॉय किया. ऐसा नहीं था कि हर पेपर, हर बॉल जो है बार बार जाके चिपक ही रही थी टेप पे. ऐसा भी हो रहा था कि वो बार बार नीचे गिर रही थी या जहाँ पर टेप नहीं थी वहाँ से क्रॉस होके भी आ रही थी. तो यही ट्विस्ट इस गेम का है. और आप ये बॉल्स ज़्यादा बना के, इसकी क्वांटिटीज़ को ज़्यादा बना के, मतलब ये ज़्यादा बॉल्स आप बच्चे के लिए बना के उसको लॉन्ग टाइम तक भी बढ़ा सकते हैं एक्टिविटी को, जिससे कि उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए और बच्चा ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को इंजॉय कर सके. सो गाइज, आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी? आई होप कि आपने ये, आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी और आपके बच्चे भी इसको इंजॉय करेंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं आपके लिए रेगुलर बेस पे लेके आती रहूँ, आपको शो करती रहूँ या आपसे शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और जो न्यू हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय एवरीवन.